नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में आरोपी रहे मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली की सजा को आखिरकार इलाहाबाद कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों से बरी किया गया है। इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, तो मोनिंदर सिंह पंढेर को भी जिन दो मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी उन्हें भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दोनों ही आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और एस ए हुसैन रिजवी की बेंच ने आरोपियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ अब इस केस में कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। चलिए सुनते हैं मोनिंदर पंढेर की वकील मनीषा मंडेरी ने आखिर क्या कुछ बताया। सिंह पंढेर के खिलाफ आज जो जजमेंट पे लगे थे वो दो मुकदमे थे, बाकी चार मुकदमे में वो ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। इन दो में सेशंस कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने बरी किया है और जजमेंट को रिवर्स किया है। तो पंढेर साहब अब आजाद। तो जो चार मामले पहले से जो लोअर कोर्ट ने मतलब उसमें भी बरी कर दिया, एक में फांसी हुई थी जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरी किया था, मतलब रिवर्स किया था, पहले ही किया, 2010 में आ गया था ये जजमेंट। उसके बाद तीन मुकदमे और थे, उन तीनों में सेशंस कोर्ट ने बरी किया। दो जो अभी पेंडिंग थे जिनमें फांसी थी वो रिवर्स हुए हैं और दोनों में बरी कर दिया गया। आइए अब हम निठारी कांड के बारे में बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या था यह पूरा मामला जिसने एक मरतबा तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। क्या हुआ था ऐसा जिसने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली नाम के इन दो शख्सों के लिए देश की जनता के जहन में गुस्सा और नफरत भर दिया था। दरअसल यह मामला 17 साल पहले साल 2006 का है, जब नोएडा में हुए सीरियल मर्डर केस ने सबको हिला कर रख दिया था। एक व्यक्ति ने अपनी लड़की के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर के घर में वह लड़की काम करती थी। मोनिंदर सिंह पंढेर नोएडा में सेक्टर 31 के बंगला नंबर D5 में रहते थे। शिकायत के बाद दिसंबर 2006 में पुलिस ने जांच शुरू की तो पंढेर के घर के आसपास के नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मोनिंदर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ 19 में से 16 मामलों में चार्जशीट फाइल की गई थी। 3 केस सबूत के अभाव में बंद कर दिए गए थे। जांच की तो पता चला कि आरोपी बच्चों का यौन शोषण करते थे और उसके बाद उनका मर्डर भी कर देते थे। बाद में यह भी मामला सामने आया कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफीलिया की बीमारी से ग्रस्त था। इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोग लाशों के साथ भी सेक्स करने लगते हैं। यह भी आरोप लगा कि मालिक और नौकर बच्चों को मारकर उनका अंग निकाल लेते हैं। इस मामले की जाँच CBI को सौंपी गई। जुलाई 2017 में स्पेशल CBI कोर्ट ने एक 20 साल की महिला की हत्या के मामले में पंढेर और कोहली को मौत की सजा सुनाई थी। इससे पहले साल 2009 में 14 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में पंढेर को छोड़ दिया था, लेकिन कोहली को दोषी मान लिया गया था। कोहली ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। फिलहाल अब ये दोनों बरी हैं।